जब से इसराइल ने हमास के हमलों का जवाब देने के लिए गाजा में ऑपरेशन शुरू किया है, तब से इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू विवादों में घिरते चले जा रहे हैं। हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लक्ष्य को अब तक नहीं मिली कोई खास सफलता से उनकी खींच तो सबके सामने है ही। हमास के कब्जे में कैद अभी भी कई निर्दोष इजरायली बंधकों की रिहाई को लेकर भी नेतन्याहू अपनी सरकार और जनता के निशाने पर हैं। इस बीच गाजा में इजरायली बलों की ओर से की जा रही बर्बरता और मानवीय क्रूरता को अब अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में नरसंहार कहा जाने लगा है। इसराइल और हमास की जंग का अखाड़ा बन चुका गाजा करीब करीब तबाह हो गया है। वहां अब लोगों की आबादी नहीं बल्कि टूटी फूटी इमारतें, जमींदोज घर और उनके मलबे ही दिखाई दे रहे हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि जिस मकसद से इजरायली सेना ने पलटवार शुरू किया था उसमें उसने कामयाबी की बजाय मनहूसियत फैला दी है। इजरायली बलों के खतरनाक ऑपरेशन ने गाजा के अस्तित्व पर ही सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। यही वजह है कि अब इसराइल के टॉप लीडर्स निशाने पर हैं। खबर आई है कि नेतन्याहू अपने ही घर में घिर चुके हैं। हिब्रू न्यूज की एक रिपोर्ट की माने तो आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ हर्जी हलेवी ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को युद्ध के बाद गाजा पर शासन कौन करेगा इसका ऐलान करने में विफल रहने के लिए फटकार लगाई। वहीं इसराइल के चैनल 13 ने हलेवी के हवाले से बताया कि अब हम उत्तरी गाजा के शहर जबालिया में एक बार फिर से काम कर रहे हैं। जब तक गाजा में एक निकाय बनाने की कोई राजनयिक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है, जो हमास नहीं है, इसराइल तब तक अपने अभियान जारी रखेगा जब तक हमास के बुनियादी ढांचे को खत्म न कर दे, जो एक तरह से कभी न खत्म होने वाले काम की तरह है। आईडीएफ के वरिष्ठ अधिकारी ने भी गाजा को लेकर इजरायली सरकार से फैसला लेने और रणनीति बनाने की अपील की है। इसके अलावा नेतन्याहू सरकार के ही सदस्यों ने कथित तौर पर नेतन्याहू को चेतावनी दी कि पिछले कुछ हफ्तों में इजरायल के निर्णय लेने की कमी ने सिर्फ जान जोखिम में डाली है। इजरायल के चैनल 12 ने दावा किया कि नेतन्याहू ने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को लेकर शीन बेट प्रमुख रोनन बार के साथ झगड़ा किया था, हालांकि बाद में उन्होंने इसका खंडन भी कर दिया। बता दें कि नेतन्याहू और उनकी सरकार को युद्ध के बाद गाजा के प्रबंधन के लिए एक योजना बनाने से इनकार करने पर लंबे समय से आलोचना का सामना करना पड़ा है। बताया जा रहा है कि नेतन्याहू प्रधानमंत्री पद गंवाने के डर के चलते कैबिनेट में ठोस चर्चा करने से इनकार कर रहे हैं। नेतन्याहू ने युद्ध के बाद की योजना में फिलिस्तीनी प्राधिकरण को शामिल करने के प्रयासों को खारिज कर दिया। इसके पीछे की वजह बताई कि हमास की तरफ फिलिस्तीन प्राधिकरण भी इसराइल के अस्तित्व को स्वीकार करने से इनकार करता है। गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी इस बात को दोहरा चुके हैं कि इसराइल को गाजा में शासन कौन करेगा पर काम करना चाहिए। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना काफी अहम रहेगा कि गाजा को लेकर इजरायली पीएम का स्टैंड क्या रहता है। क्या दबाव के चलते वे कोई कदम उठाते हैं या फिर वेट एंड वॉच की मुद्रा में रहकर इसे भविष्य के लिए छोड़ देते हैं।